हमारा फर्स्ट इंग्रेडिएंट है बनाना, मतलब हमको एक केला लेना है, उसको मैश कर लीजिए और फिर ये रेडी है हमारे मास्क बनाने के लिए। तो चलिए पहले इसको आप 2 टेबलस्पून बनाना पल्प ले लीजिए। इसमें विटामिन ए होता है, एक्चुअली हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, हमारी स्किन को रिपेयर करता है और हमारी स्किन को वाइटनिंग भी करता है। सेकेंड इंग्रेडिएंट है मुल्तानी मिट्टी। आपको 2 टेबलस्पून 2 टू 3 टेबलस्पून मुल्तानी मिट्टी लेनी है। मुल्तानी मिट्टी में बहुत सारे गुण होते हैं, लाइक ये एक्ने को ठीक करती है, स्किन ब्राइटनिंग, स्किन टाइटनिंग, ग्लो और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। और फिर आप इनको एक प्रॉपरली मिक्स कर लीजिए। बस रेडी है हमारा। हमें 2 टेबलस्पून मैश्ड बनाना लेना है। बनाना में विटामिन ए होता है, ये हमारी स्किन को रिपेयर करता है और ब्राइटन भी करता है। सेकेंड हमें लेना है 1 टेबलस्पून हनी। हनी में एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये हमारी एक्ने को कम करती हैं, पिंपल्स को कम करती हैं और हनी हमारे स्किन को सॉफ्ट एंड सपल बनाता है। नेक्स्ट हम 1/2 टेबलस्पून लेमन जूस लेंगे। लेमन जूस एक नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम करता है, हमारी स्किन को लाइटन करता है और डार्क स्पॉट भी कम कर देता है। लास्ट बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट, कुकुम्बर का जूस या कहें ककड़ी का रस। कुकुम्बर के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, लाइक ये हमारे स्किन के लिए एक एंटी एजिंग की तरह काम करता है, मीन्स फाइन लाइन्स को कम करता है, हमारी स्किन को लाइटन करता है, ब्राइटन करता है और जो भी डार्क स्पॉट हो जाते हैं एक्ने और पिंपल्स की वजह से उनको भी कम करता है और एक चेहरे को रिफ्रेशिंग और कूलिंग इफेक्ट देता है। सो आप ये ट्राई ज़रूर करिएगा ये फेस मास्क।